बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं एबीसी टीवी पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद जाफ़र सादिक। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं हलका NA 157 मुल्तान में। नाज़रीन, ये हलका पूरे पाकिस्तान में जो ज़िमनी इंतखाब हो रहे हैं उनमें एक नुमायाँ हैसियत रखता है। इस हलके में शाह महमूद कुरैशी की बेटी मोहतरमा मेहर बानो कुरैशी और PDM के मुतफ़िका उम्मीदवार सैयद अली मूसा गिलानी मद्दे मुकाबिल होंगे। इस वक्त हम हलके में मौजूद हैं और लोगों की राय जानते हैं कि वो किसको मुल्तान का सुल्तान बनाने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम। वाह। अच्छा मोहतरम, हमें ये बताइएगा कि NA 157 से आप मुल्तान का सुल्तान किसे बना रहे हैं? मूसा। आप अली मूसा गिलानी को वोट क्यों दे रहे हैं? जी, वो वर्किंग उसकी अच्छी है, यहाँ आते जाते रहते हैं, माशाल्लाह उनका इखलाक भी बहुत अच्छा है। मेरा नाम सर इजाज़ुल हक है और मेरा तल्लक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है और मैं NA 157 का रिहायशी हूँ और मेरा वोट सिर्फ़ और सिर्फ इमरान ख़ान साहब के नज़रिए के मुताबिक है और इंशाल्लाह हम इसी वजह से देंगे क्योंकि उन्होंने चेंज लेके आए हैं वो पाकिस्तान के लिए, तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि वो इस चेंज को आगे भी बढ़ाएं और मुल्क को सही सीमत में लेके जाएं। इंशाल्लाह 11 तारीख को हम ये साबित करेंगे कि हम इमरान खान साहब के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। मैं अल्लाह करे सारे न जीते न, ये सारे इस पाकिस्तानी कौम के दुश्मन हैं, ये अंग्रेजा ने जो गुलाम छोड़े ने बल्दे सारे उत्ते मुसल्लत हो गए, ना PTI ना PDM सब इस वक्त साडा कोई पुरसाल कोई साने हाल कोई नहीं। विहाड़ी रोड उत्ते रोजाना एक दो बंदे फौत होते हैं, इन्हों के बच्चे मरे न, इन्हों पता लगे सिलाब जदगान इस वक्त जेडे सारे भाई हैं वो इन्हों वोट देंगे, एक कहन पुछन इस वक्त तैयार कोई नहीं, बच्चे लुटते वधे, ऐसा कोई जंगल का दौर आ गई है कि सोने यूरिए की बौरी दे बच्ची पा दे दफन खड़ा करें, ना वजीर आजम ना वजीर आला ना इमरान खान किसी कौम नु कोई गैरत कोई नहीं कि सारे मुल्क का यह हाल हो गई है। दुनिया के उत्ते 7वें नंबर से असा काटन पैदा करने वाले मुल्क है, पूरी दुनिया नु असा कपड़ा फरोख्त करने वाले हैं, पूरी दुनिया नु असा किन्नू फरोख्त करने वाले हैं, पूरी दुनिया नु असा अंब फरोख्त करने वाले हैं, बेहतरीन मुल्क साडा, ज़रेई मुल्क होने के बावजूद असा सारी दुनिया तो 105वें नंबर से आ गए, सिर्फ इन्होंने डाकुओं की वजह तो कोई मुल्तान का सुल्तान कोई नहीं, अल्लाह की जात मुल्तान की बारे से इस कौम की बारे से मेरी समझ मुताबिक कहन वोट नहीं देना चाहिए, ये कौम एहतजाज करे इन्होंने सारे डाकुओं नाल एहतजाज करे, ये सारे गुरबत मिटाएं मिटाएं अरबापति हो गए, गरीब इन्होंने वोट देंदे देंदे सिलाब में लुट गए। असा इमरान खान को देवने साढ़े परों किकर नाल डब्बा टंगा खड़ा सी ना उनके नाँ का, असा कोई वोट दे दे। 11 सितंबर को यहाँ से कौन जीतेगा? इंशाल्लाह मूसा गिलानी जीतेगा। मेहरबानी कुरैशी को जिताएंगे इंशाल्लाह। PTI जिंदाबाद। इंशाल्लाह हम सैयद अली मूसा गिलानी को मुल्तान का सुल्तान बना रहे हैं, उन्होंने हमारे हलके में गैस दी है और शरीफ आदमी है। यहाँ जी मेहरबानो हरी पार्टी है PTI, इंशाल्लाह ताला बारी एक्सरे से जीतेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, तो ऐसा है कि इमरान खान साहब को पिछली दफ़ा हमने वोट दिया था लेकिन उनकी कारकर्दगी को इतनी खातरखा नहीं रही कि हम इस दफ़ा सोच रहे हैं कि इलेक्शन का बाइकआउट किया जाए और मैं इस दफ़ा किसी को भी वोट नहीं डालूंगा। शुक्रिया। मेहरबानों का हम सपोर्ट कर रहे हैं PTI इमरान खान की वजह से और इमरान खान के बयानी की वजह से सपोर्ट कर रहे हैं।